हेलो फ्रेंड, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। रीना के संग रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। तो दोस्तों, एक और व्लॉग में आपका बहुत बहुत मोस्ट वेलकम है। और अभी बज चुके हैं सुबह के 8, तो मोस्ट मोस्ट वेलकम है आपका रीना के संग में। रीना के संग रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग हम स्टार्ट करते हैं। तो ब्लॉग तो मैं लेट ही बना रही हूँ। मैं सुबह 4:30 उठ गई थी। 4:30 के बाद चैतन्या को फिर, हाँ, चैतन्या का लास्ट एग्ज़ाम है। सबसे बड़ी बात है कि चैतन्या का लास्ट एग्ज़ाम है। तो चैतन्या को मैंने पढ़ाया सुबह 4:30 बजे से लेके 5:30 बजे तक। उसको रिवीजन करवाई, फिर उसको नहलाया, खाना बनाया, ब्रेकफास्ट दिया और उसको स्कूल भेज दिया। तो क्योंकि सुबह मैं इतनी जल्दी थी ना, उसका एग्ज़ाम था, तो इस वजह से मैं ब्लॉग नहीं बना पा रही थी आजकल डेली के। क्योंकि पता क्या होता है, फिर बच्चे को कैमरा फ़ोन देख के ना बच्चे का दिमाग डाइवर्ट हो जाता है। तो इसलिए मैंने सुबह का ब्लॉग नहीं बनाया, ताकि वो अच्छे से जो है अपनी प्रिपरेशन कर ले, एग्ज़ाम की रिविज़न कर ले। अब बच्चा क्या करके आता है ये तो हमें नहीं पता, पर हम अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करते हैं कि बच्चे का एग्ज़ाम जो है वो अच्छा जाए। तो बहुत तेज हो रहा है। तो चैतन्या जा चुके हैं स्कूल, उसको ब्रेकफास्ट पैक करके दे दिया। अब मैं तैयारी कर रही हूँ। अभी घर सिर्फ जस्ट पहुँची हूँ, उसका वैन पे उसको बिठाया, अभी जस्ट पहुँची हूँ। मैंने सुबह से अभी तक पानी भी नहीं पिया और 8 बज चुके हैं ऑलरेडी। तो अब जाके सबसे पहले मैं पानी पीती हूँ। पहले तो सुबह सुबह देखो, यहाँ पे मैंने रखा हुआ है गुनगुना पानी। तो मैं सबसे पहले गुनगुना पानी पीती हूँ। दोस्तों, मेरे को ना नींबू वाला पानी पिया नहीं जाता, पता नहीं क्यों। स्लिमिंग के लिए सोच रही हूँ पर हो नहीं पा रहा है कुछ भी। बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। तो सुबह सुबह मेरे से खाली पेट ना गुनगुना पानी तो फिर भी पी पाती हूँ, पर जो एकदम नींबू वींबू डाल के पानी होता है ना, वो नहीं पिया जाता है मेरे से। तो वो मैं अभी नहीं पी रही हूँ। और ये देखो, एक पिंपल भी आ गया है यहाँ पे। मैं बहुत परेशान हूँ यार, पता नहीं क्यों मेरे इतने एक्ने होते रहते हैं। परेशान हूँ थोड़ा सा, क्या एक्नों से भी मैं परेशान हूँ, पैर से परेशान हूँ। तो ये सब चीज़ें जल्दी रहती है, थोड़ा सा है प्रॉब्लम, पता नहीं क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है। हार्मोनल चेंज है कि डिसबैलेंस हो रहा है, क्या हो रहा है कुछ नहीं पता। तो जब चैतन्या चली गई है स्कूल, पापा जी अभी सो ही रहे हैं। तो चैतन्या, अरे मच्छर वहाँ से आ गया आज। तो फ्रेंड, बारिश की वजह से थोड़े मच्छर भी हो गए हैं घर के आसपास। तो अब मैं क्या करने वाली, मैं कह रही थी कि अब मैं शुरू करूँगी लंच के प्रिपरेशन, क्योंकि आज मेरी क्लास है। तो मुझे लंच आज जल्दी ही बनाना है, ब्रेकफास्ट बना दिया है। तो ब्रेकफास्ट में मैंने चैतन्या को चीला दिया था। चीला पता है ना, आप लोग भी बनाते होंगे। तो उसको मीठा चीला और नमकीन चीला दोनों दिया पैक करके। तो मैं उसकी वीडियो नहीं बना पाई कि मैं किस तरह से चीला बनाती हूँ। अगर आप लोगों को देखना है कि मैं किस तरह से चीला बनाती हूँ चैतन्य के लिए, तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी। और ये देखो, ये चैतन्य ने हालत छोड़ी है इस चीले की। आधा आधा खा के ऐसे छोड़ दिया, बाकी स्कूल में तो पैक करके लेके गई है। तो अब मैं चाय बनाऊंगी और सबसे पहले चाय के साथ इस चीलों को खाऊंगी। और साथ ही बनाने वाली हूँ मैं, क्या बना रही हूँ आज मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। आज मैं बनाने वाली हूँ न्यूट्रेला। न्यूट्रेला पता है ना, सोया चंक, सोयाबीन की बढ़िया यार। तो सोया चंक बनाने वाली हूँ। तो सोया चंक बनाएंगे आज। इसको मैंने भिगा के नहीं रखा है, मैं इंस्टेंट ही बना लेती हूँ। ज़रूरी नहीं कि बहुत देर पहले इसको मैं भिगा के रखूँ तब बनाओ। टेक्निक चाहिए होगी तो प्लीज़ कमेंट करके बता देना। अब मैं फटाफट से इसको भिगा देती हूँ। भिगाने की टेक्निक ये है, पानी उबाला और उसमें सोया चंक्स डाल दिए अच्छे से डिप करके, और थोड़ी देर से कुक होने दिया उसी में। फिर गैस को बंद कर लेंगे, वो अच्छे से थोड़ी देर में 5-10 मिनट में सॉफ्ट हो जाएंगे। बस मैं इंस्टेंट ही बनाती हूँ, और इंस्टेंट ही बनाती हूँ, मतलब झटपट बनाती हूँ, झटपट। क्योंकि रीना की कुकिंग जो होती है झटपट होती है। तो मेरा दोस्तों एक कुकिंग चैनल भी है, मैजिक तड़का विद रीना, प्लीज़ जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लो। पता नहीं क्यों आजकल व्यूज़ कम आ रहे हैं उसमें, क्योंकि मैं रेगुलर वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ, थोड़ा बिजी शेड्यूल हो गया है। क्योंकि एग्ज़ाम भी थे, फिर मेरा कोर्स भी चल रहा है, कोर्स में अब बहुत ही क्रिटिकल जो सोल्यूशंस हैं वो वाले आने वाले हैं। तो बस कुछ टाइम में मेरा कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा। तो बना लेती हूँ सोया चंक। सबसे पहले बनाती हूँ मैं चाय। चाय नाश्ता बन चुका है। तो आपने देखा कि जो चैतन्या ने चीज़ें छोड़ी थी, जो भी ब्रेकफास्ट, देखो ये वाला है ना जो चैतन्या ने छोड़ा था दोस्तों, वही अब मैं करने वाली हूँ। तो मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। थकान, नींद पता नहीं क्यों आ रही है, क्योंकि 8 बज चुके हैं। मैं 4 बजे सो के उठी थी ना, तो थोड़ी सी नींद आ रही है अभी। तो फटाफट से चाय पीती हूँ। चाय की ये अदरक वाली चाय मैंने बनाई है, जिंजर टी। इसकी एक सिप ले लेती हूँ।
हाय हाय, इतना सुकून। अमेजिंग। तो ये जिंजर टी है, साथ में यहाँ पे है मेरा चीला। चीला जो चेतन ने छोड़ दिया तो मैं इसको खाऊंगी। यम्मी यम्मी चीला है, बेसन का चीला है। तो ये मेरा ब्रेकफास्ट था। और मुझे पता है 90% लेडीज का यही ब्रेकफास्ट होता है, जो बच्चे लेफ्ट ओवर फूड ऑफ किड्स, जो हमारे बच्चे आधा अधूरा छोड़ जाते हैं, हम खाते हैं एज अ ब्रेकफास्ट। फिर भी हम इतने मोटे होते हैं, देख रहे हो। तो मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। तो दोस्तों, मेरा सारा काम जो है वो निपट चुका है, और थोड़ी वॉइस में प्रॉब्लम आएगी क्योंकि फैन चल रहा है। तो मैंने झाड़ू पोछा बर्तन खाना सब कुछ कर लिया है, और सब्जी भी बन चुकी है। मैं लाइट ऑन कर देती हूँ पहले। तो मैंने ये लाइट ऑन कर दिया, और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने जो सोयाबीन है वो कैसे बनाया। तो फ्रेंड ये देखो, ये तैयार है मेरा सोयाबीन की, मैंने यहाँ पे लंच बना दिया है कि दोस्तों मैंने बना दिया है सोया चंक की ग्रेवी। तो ये मस्त मस्ती में मेरी सोया चंक की जो सब्जी है वो बिल्कुल तैयार है। औसम है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें। इसको ढक देती हूँ। ये मैंने बनाया है लंच, और यहाँ पे बना के रख दिया पराठे। तो मैंने बना के रख दिया पराठे, अब मैं लाइट ऑफ कर देती हूँ। तो अब बज चुके हैं 10:30, 10:30 बज चुके हैं। पापा भी सो ही रहे हैं, चेतन ने हमें स्कूल गई हुई है एज यूजुअल, और अब मैं करने वाली हूँ अपनी पढ़ाई। तो मेरा रूटीन है कि मैं मॉर्निंग में आधा घंटा या एक घंटा जो है अपना जो सिलेबस है उसको रिवाइज करती हूँ, ताकि एग्ज़ाम जब आए तो मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना हो, और थोड़ी बहुत थ्योरी मेरे दिमाग में भी घुस जाए। बेसिक क्या है, क्या है, क्या नहीं, नॉलेज है क्या है, वो सब कुछ मेरा जो है इसमें हो जाए। तो दोस्तों, आगे ना एक चैलेंज भी आने वाला है, तो उसका भी वेट करना कि मैं कुछ एक चैलेंज करने वाली हूँ, वो भी आप उसका वेट करना। मैं वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगी कि वो चैलेंज अब क्या होने वाला है। ठीक है, मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा, चल। ठीक है दोस्तों, तो मैं भी कर लेती हूँ अपनी पढ़ाई। चैतन्या नहीं है, पापा भी सो रहे हैं, मैं बिल्कुल अकेली हूँ। सारा काम हो चुका है, सफाई हो गई है, खाना बन गया, लंच भी बन चुका है। अब सिर्फ मैंने पढ़ना है, और उसके बाद मतलब एक घंटा में पढ़ूंगी। अभी हो गए हैं 10:40, तो मैं आधा घंटा पढ़ूंगी, और उसके बाद मैं थोड़ी देर सोऊंगी, क्योंकि सुबह 4 बजे से उठ गई हूँ, तो थोड़ा बहुत सोना तो बनता ही है। फिर आज मेरी डे में क्लास है 1:00 से, तो मैं 1:00 घर से निकलूँगी, तो मैं 12 बजे तक सो के उठ जाऊँगी, एक घंटा सो जाऊँगी। तो 12:30 बजे तक सो के उठूँगी, फिर नहा के फिर फ्रेश होकर अपनी क्लास चली जाऊँगी। तो मैं फ़िलहाल अब जा रही हूँ पढ़ने। तो पढ़ाई करनी भी ज़रूरी है, क्योंकि थोड़ा माइंड में क्लियर हो जाए यार, कॉन्सेप्ट क्या है क्या नहीं है, तो थोड़ी स्टडी भी ज़रूरी है। तो ये मेरा रूटीन मैं आपको दिखा रही हूँ, जो पहले मैं नहीं दिखाती थी, आज मैं दिखा रही हूँ कि बेसिकली मैं अपने रूटीन में क्या क्या चीज़ें करती हूँ। तो सफाई वफाई हो गई है, सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। जो हम लेडीज़ का मोस्ट ऑफ द काम क्या होता है, पानी की टंकी भरना सबसे इम्पॉर्टेंट, वो मैं भर चुकी हूँ, और बर्तन करना, झाड़ू करना, क्योंकि मेरी कोई मेड नहीं आती, मेरा कूड़े वाला भी आ गया था, तो वो भी कूड़ा भी हो गया। बस मैंने कपड़े नहीं धोए हैं, कपड़े जो मैं सिर्फ वीक में 2 डेज मशीन लगाती हूँ उस दिन धोती हूँ, तो आज मैंने कपड़े नहीं धोए हैं। पौधों में पानी डाल दिया, खाद डाल दी, जो भी प्रोसेस है सब काम हो चुका है। अब सिर्फ मुझे करनी है अपनी स्टडी, तो मैं स्टडी करने जा रही हूँ। तो ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, तो फ्रेंड देखिए, मैंने पढ़ाई भी कर ली है, काम भी निपटा लिया है, और जैसे ही मैं सोने गई तो एक बात हो गई। तो फ्रेंड मैं जैसे सोने गई ये उठ गए, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। मेरा प्लान था कि अब मैं सोने जाऊंगी, इतने में पापा जी उठ गए। अब पापा जी को खाना दिया है मैंने, अब ये खाना खाएंगे और मेरे से थोड़ी बहुत गपे आएंगे, बातें करेंगे, तो मेरी नींद अब पूरी होने वाली नहीं, क्योंकि फिर मेरे को 1 बजे जाना है, और अभी बज चुके हैं 11। मतलब चुपचाप आने की सोच रही थी कि पापा की नींद ना खुले, पर उनकी नींद खुल गई, मेरे पैरों की आड़ से ही पता चल गया है। आ रहे हैं ये बड़ी की सब्जी, टेस्टी टेस्टी, और ये रहे पापा श्री। गुड मॉर्निंग दोस्तों। अभी पापा नींद में, नाइट शिफ्ट करके आए, समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो, अभी वो नींद में है, पर उनको भूख लग गई है, क्योंकि वो सुबह कुछ खा के नहीं आते हैं, घर का ही खाना खाते हैं, है ना फ्रेंड। पापा अभी भी आधी अधूरी नींद में ही हैं। अब मैं थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ, फिर मुझे क्लास जाना है, तो थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ। रेस्ट भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्लास में खड़े रहने के लिए और ध्यान देने के लिए थोड़ा रिलैक्सेशन भी बहुत ज़रूरी है।
तो नीचे बहुत गर्मी थी, अब थोड़ा एसी में आई हूँ तो बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। चैतन्य का डायलॉग बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। और आज की चैतन्य का लास्ट एग्ज़ाम है, इसके बाद एक दो दिन की छुट्टी है, तो कहीं प्लान करेंगे, कहीं घूमने वूमने ले जाएंगे चैतन्य को। छुट्टी है दशहरे की, रामनवमी की, माता रानी के नवरात्रों की छुट्टियां हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ स्पेशल तो होना ही चाहिए, तो करेंगे। अभी मैं थोड़ी देर सो जाती हूँ। तो फ्रेंड मैं घर से आ चुकी हूँ और अब मेरी तैयारी हो रही है इंस्टीट्यूट जाने की, तो चैतन्य तो फिर आ गई, तो अब मैं चली इंस्टीट्यूट क्योंकि करनी है पढ़ाई है सारी, और कुछ करने को है क्लास में। तो अभी मैं ऑटो में हूँ और जा रही हूँ अपने इंस्टीट्यूट, तो आप भी मेरे साथ चलिए। तो इंस्टीट्यूट जाने की तैयारी बिल्कुल हो चुकी है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है उत्तर नगर से यहाँ तक आने में, मुझे सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है अपनी कैब और ऑटो बुक कराने में, तो बड़ी मुश्किल से मेरे पास एक ऑटो बुक हो पाया है और ऑटो से अभी अपनी क्लास जा रही हूँ और क्लास लूँगी, और क्लास में मैं अप्रॉक्स 6 या 6:30 बजे तक फ्री हो पाऊँगी। और उसके बाद के क्या रूटीन होता है, क्या हम करेंगे, वो आप देखते रहिए। तो फ्रेंड अभी बच चुके हैं दिन के 1 बज रहा है और 2 बजने वाले हैं, बची चुके हैं 2। और देखो कितनी गर्मी हो रही है और कितना ट्रैफिक हो रहा है, हालत ख़राब हो रही है गर्मी से, तो पूरा जो रोड है वो ब्लॉक हो चुका है बड़ी मुश्किल से। अब पता नहीं मैं जैसे 1:30 बजे करीब घर से निकल गई थी, अब पता नहीं कितने बजे तक घर में पहुँचूंगी। तो दिल्ली का तो यही हाल है, 2 दिन बारिश होती है तो अच्छा ठंडा हो जाता है, उसके बाद जो जबरदस्त गर्मी पड़ रहे हैं बता नहीं सकते आपको, पूरा रोड जो है ये ब्लॉक हो रखा है, ट्रैफिक ही ट्रैफिक है। देखो तो चैतन्य तो स्कूल जा रही थी, वो घर अपने पापा के साथ है, उसके बाद उसके पापा हैं, आज जा रही हूँ क्लास में और पता नहीं कब तक पहुँचूँगी। आप बैठे बैठे ऑटो में बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, पसीना भी आ रहा है, तो देखते हैं कब तक पहुँचते, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक। Moments later. तो फ्रेंड मैं घर पहुंच चुकी हूँ, मेरी क्लास खत्म हो गई है, अभी जस्ट मैं पहुंची हूँ और पीऊंगी पहले पानी। और चैतन्य आ चुकी है, आज चैतन्य के एग्जाम खत्म हो गए हैं तो ये सो के उठी है, मैं जस्ट अभी पहुंची हूँ। और यहाँ पे क्या हो रहा है, शाम के बज चुके हैं 7 और यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे पापा जी कर रहे एक्सरसाइज। हेलो गाइस, कैसे हैं आप? नींद पूरी हो गई आपकी? हाँ जी, मेरा डेली का रूटीन है, शाम को इवनिंग में मैं एक्सरसाइज करता हूँ अपने जिम में, तो मेरा घर ही मेरा जिम है, पूरा एंजॉय लेता हूँ दोस्तों, जिम कराते हैं, फिटनेस रहती है बनी और फिट रहते हैं। ये पापा कर रहे एक्सरसाइज और मैं जस्ट अभी पहुंची हूँ तो रिलैक्स कर रही हूँ, इधर चैतन्य यहाँ आराम कर रही है। आज कैसा दिन है, आज एग्जाम खत्म हो गए, बिल्कुल रिलैक्स मूड पे सो रही है। दोस्तों हमेशा फिट रहने के लिए आप भी अपने शरीर को थोड़ा थोड़ा कष्ट दिया करें। अरे राम, मेरा पैर बज गया, भी लग जाता मेरे पैर पे। कष्ट देने से शरीर बनता है और नो पेन नो गेन। जिंदगी में कुछ भी करना हो, कुछ भी, तो थोड़ा बहुत पेन तो होता ही है। ये बड़ी बड़ी बातें मैं बोल रही हूँ, जो मेरा साइज देखो बिल्कुल भी कम नहीं हो रहा है, मैं बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करती हूँ पर जल्दी करने वाली हूँ शुरू, है ना पापा? नो पेन नो गेन, ये देखो मसल्स, खतरनाक मसल्स। तो फ्रेंड मैं भी जल्दी से बॉडी बनाऊंगी और आप लोगों को स्लिम होके दिखाऊंगी, जल्दी लेने वाली हूँ मैं 100 डेज का चैलेंज। 100 डे का क्या लूंगी पापा मैं? चैलेंज। और 100 डेज के बाद मैं आपको अपना कम करूंगी ऑलमोस्ट 20 kg, क्योंकि दिसंबर में मेरा बर्थडे है 25 दिसंबर को, तब तक मैं अपना वेट कर लूंगी कम से कम 55 kg, है ना पापा, हो जाएगा मेरा? अरे वो दौड़ गए हैं, दौड़ गए। कर लूंगी मैं 55 kg 2 महीने में। अभी क्या चल रहा है अक्टूबर, तो मेरा 25 दिसंबर का बर्थडे, तो 3 महीने अक्टूबर
नवंबर दिसंबर, तो 3 महीने मतलब 100 डेज का चैलेंज लूंगी और मैं होंगी स्लिम का वाला प्रॉमिस, और आप लोग भी मेरे साथ रहोगे। तो मैं ले लूँ 100 डेज का चैलेंज, तो जल्दी कमेंट करके बताओ कि क्या मैं पतली हूँ और मैं 100 डेज का चैलेंज लूँ, तो कमेंट करके बता देना। मैं जब भी पहुँची हूँ और अभी थोड़ा सा आराम करूँगी, फिर चाय पियेंगे, फिर टेस्ट करेंगे, और इवनिंग का मेरे को सब्जी लेने में जाना है। आज सब्जी घर में बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, सब्जी भी लेने जाना है, बिल्कुल ख़त्म है। समझ नहीं आता सुबह सुबह क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ, घर में सब्जी पड़ी रहती है तो एक आइडिया रहता है कि हाँ भाई ये पड़ा हुआ तो बना लो, तो इसलिए जाके पहले आज सब्जी लेके आऊँगी। कौन सी सब्जी खाओगे पापा? जो भी लाओगे मम्मा। फिर भी फेवरेट सब्जी? कुछ भी ले आओ। चेतन ने कौन सी सब्जी खानी है? आलू। चुचू को खाने आलू, हरी सब्जी नहीं, हरी सब्जी भी, आलू मेथी। देखते क्या मिलता है, आप लोग भी चलना हमारे साथ हमारे बाजार में। A few moments later. तो फ्रेंड मैं ना सब्जी लेके आ गई थी और डिनर भी बनाया और डिनर भी खा लिया, बट अभी का प्रॉब्लम क्या है कि अब बहुत रात हो चुकी है और मैं सुबह ना ज़्यादा देर तक जो है वो सो नहीं पाई थी, तो मेरे को बहुत ज़ोरों से अब नींद भी आ रही है। तो दोस्तों बहुत बड़ा आज का दिन रहा आपके साथ, मैंने पूरा का पूरा दिन शेयर किया। तो मैं ना जब सब्जी लेने गई तो मैं फ़ोन लेके नहीं गई, क्योंकि वहाँ पे ना बाज़ार लगता है, बड़ा बाज़ार लगता है सब्जी का, तो चोरियाँ भी बहुत होती है कई बार, मतलब पॉकेट से जैसे मैं कुछ छांट रही हूँ या कुछ चूज़ कर रही हूँ तो तभी कोई ना कोई कोई भी मतलब बैग से हमारे फ़ोन वगैरह ले जाता है, पर्स भी ले जाता है, तो इसलिए मैं फ़ोन को मैं अवॉइड किया, मैं फ़ोन को नहीं लेके गई, चेतन घर पे ही थी। तो अब जो है सोने की तैयारी हो रही है। तो दोस्तों आज का दिन मेरा कैसा रहा आप ज़रूर लाइक करना, तो मैं अपना डे टू डे का भी डाल रही हूँ साथ साथ में, जो भी हम करते हैं वो सब डालते हैं, कुछ भी फेक नहीं है दोस्तों। तो रीना के संग को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रीना के संग रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।